नमस्कार दोस्तों, मालवा के किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मालवा के किसान चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने पर उसके अलावा आज मेरे को मेरे जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करने वाले सभी किसान भाई और सभी सपोर्टर साथियों का ये मालवा का किसान बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आगे भी आप अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, इस मालवा के किसान चैनल को और सपोर्ट करना। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है क्योंकि इस चैनल को हमें आगे ले जाना है। तो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, जून महीने में हमने सोयाबीन के ऊपर एक श्रृंखला चलाई थी जिसमें कि सोयाबीन की विभिन्न वेराइटियों की संपूर्ण जानकारियों के वीडियो हमने पोस्ट किए थे। उसमें साथ में आप लोगों से वादा किया था कि हम फील्ड से उन वेराइटियों से आपको रूबरू करवाएंगे, उनकी क्या स्थितियाँ हैं, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो आज से हम फील्ड से इन वेराइटियों के बारे में वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वेराइटी जो कि इस साल बहुत बड़े रकबे में इसको लगाया गया है और कहीं ना कहीं किसानों को इस वेराइटी ने अपनी तरफ आकर्षित किया है। अब दोस्तों, आप किस वेराइटी को वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। अगला वीडियो हमारा उस वेराइटी का होगा जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस वेराइटी का वीडियो देखना है। और डायरेक्ट हम फील्ड से बताएंगे क्या परफॉर्मेंस है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी चल रहा है वो डायरेक्ट दिखाएंगे हम। हमें किसी वैरायटी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमने जो लगाई है वो दिखाएंगे, दूसरों के खेतों में दिखाएंगे और भी हम कोशिश करेंगे कि लगभग आपको सारी वैरायटियों से रूबरू करवाएँ अभी और इसके बाद जब वो फलियों में होगी अच्छी खासी उस समय और फिर आखिरी में उत्पादन के समय कि किस वेराइटियों का कैसा उत्पादन रहा। तो इस बार हमारी सोयाबीन की जो श्रृंखला है बहुत लंबी चलने वाली है दोस्तों। तो मैंने शुरुआत में कह दिया था कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए, क्योंकि आपको 5-6 महीने तक लगातार सोयाबीन से जुड़ी हुई जानकारियों के वीडियो लगातार मिलेंगे। तो करते हैं दोस्तों आज GS 2172 सोयाबीन के वीडियो की शुरुआत। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इस वेराइटी को निकाला गया है दोस्तों, और इस साल किसानों का रुझान इस वेराइटी की तरफ बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि इस वेराइटी का जो दाना है वो बोल्ड है, बड़ा है। जैसा 95-60 जो वेराइटी का दाना होता है उसी प्रकार का इसका दाना बोल्ड है, चमकीला है और अच्छा पीला रंग का है। और उसके अलावा दोस्तों, इस वेराइटी का जो जड़ तंत्र है वो काफ़ी मजबूत है, जिसकी वजह से इसमें उमटने जैसी समस्याएं नहीं आती है। उसके अलावा दोस्तों, इस वेराइटी में अगर पानी की खींच लग जाती है तो उसको ये सहन कर जाती है। उसके अलावा पानी की अगर थोड़ी ज़्यादा अधिकता हो गई है तो उसको ये सहन कर जाती है, मतलब कि कम पानी और ज़्यादा पानी दोनों परिस्थितियों के लिए ये बहुत अनुकूल है। पिछले साल 25 दिन की खींच लगी, उसके बावजूद भी इस वेराइटी ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, बहुत ही ज़बरदस्त इस वेराइटी ने उत्पादन दिया है। इतनी खराब परिस्थितियां जिसमें कि आसपास के जो खेत थे पूरे सूख चुके थे, जिनमें कि एक एक बोरी आधी आधी बोरी बीघा का, दो दो बोरी बीघा का उत्पादन निकला, वहां इस वैरायटी ने 5 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से हमारे यहां पर पिछले साल उत्पादन दिया था दोस्तों। ये वैरायटी 98 दिन की वैरायटी है, 98 दिन में इसकी कटाई हो जाती है। देख सकते हैं इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं, पूरे गोल ना होकर आगे से थोड़े से नुकीले इसके पत्ते होते हैं, इस प्रकार के पत्ते होते हैं, बीच में गोल होते हैं और आगे से नुकीले इसके पत्ते होते हैं। और इसमें 36 दिन के बाद फूलों की अवस्था शुरू हो जाती है और 38 से 40-42 दिन के आसपास इसमें फूल आ जाते हैं। ये जो अभी यहाँ देख रहे हैं इसमें किसी किसी पौधे में फूल आने लगे हैं, ये 38 दिन की स्थिति में ये देख लीजिए इसमें सफ़ेद रंग के फूल आए हैं। तो ये GS 2172 सोयाबीन में सफ़ेद रंग के फूल आते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, इस वेराइटी का बीज दर आप जितना कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये फैलाव करेगी और उतना ही अच्छा इसमें फल लगेगा। इसकी जो सही बीज दर है वो बीघा में 15 किलो के अंदर और एकड़ में बात करें तो 27 किलो के अंदर इसकी बीज दर अगर आप रखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस वेराइटी से आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
और जैसा कि इस साल बरसात हो रही है, उस प्रकार से अगर बरसात होती रही, मौसम अनुकूलित होता रहा, तो दोस्तों ये वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने वाली है। मेरे को इस वैरायटी को लगाते लगाते ये तीसरा साल है दोस्तों, और दो साल का पुराना मेरा अनुभव है, और कहीं ना कहीं मैं इस वैरायटी के प्रति मैं खुद भी काफ़ी अच्छा आकर्षित हुआ हूँ, और इस वैरायटी ने मेरे को खुद को भी बहुत आकर्षित किया है अपनी तरफ, क्योंकि पिछले साल जो 25 दिन की खींच लगी, उस खींच के बावजूद भी इस वैरायटी ने बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन दिया था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अधिकतर वैरायटियां सूख गई है, इसमें किसी प्रकार का पानी उस 25 दिन की खींच में नहीं दिया, उसके बाद भी इसका अच्छा प्रदर्शन रहा है। अभी बीच में पानी की झड़ी लग गई थी, अच्छा खासा पानी बह बह के निकला है, 4-5 दिनों तक खूब पानी गिरा है, बहुत सारी जगह 10-12 दिन तक पानी गिरा है, लेकिन ये वैरायटी बिल्कुल अडिग है, बिल्कुल बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। हो सकता है कि कहीं कहीं पर हल्की पुल्की फंगस की समस्या आ जाए दोस्तों, तो ये तो हर किसी वैरायटी में आ सकती है फंगस की समस्याएँ, तो आप जो स्प्रे करें उस स्प्रे में अगर आपके यहाँ पर अगर किसी प्रकार के फंगस की समस्या है तो फंगिसाइड का आप ज़रूर स्प्रे कीजिए। कि तो अभी तक कहीं से भी इस वैरायटी के खराब प्रदर्शन के समाचार नहीं हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपने इस वैरायटी को लगाया है तो आपके खेत में, आपके क्षेत्र में इस वैरायटी का क्या प्रदर्शन चल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आगे बिल्कुल जहां तक इस वैरायटी की कटाई नहीं हो जाती है वहाँ तक हम आपको इस वैरायटी से रूबरू कराते रहेंगे। और अगर आपको किसी वैरायटी के वीडियो देखने हैं खेत से डायरेक्ट लाइव, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे जिस वैरायटी के, उसी वैरायटी का अगला वीडियो पोस्ट किया जाएगा। ये था GS 2172 का खेत से लाइव वीडियो। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।